आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने पुलिस चौपाल का स्वरूप बदलकर अब अधिकारी पहुंचेंगे गांव-गांव कर दिया है, जिसके तहत प्रत्येक बुधवार राजपत्रित अधिकारी व थाना प्रभारी अलग अलग गांव में जाकर ये चौपाल आयोजित करेंगे। इसी क्रम में 16 दिसंबर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर सहित जनपद के 40 गांवों में राजपत्रित अधिकारियों व थाना प्रभारियों द्वारा पुलिस चौपाल लगाकर प्रधान व जनप्रतिनिधियों के साथ जनता की समस्याओं को सुना गया और आपराधिक घटनाओं में लिप्त लोगों के संबंध में जानकारी इकट्ठा की गई तथा कुछ मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। इसके अलावा आगामी चुनाव के दृष्टिगत मतदान केंद्रों का भ्रमण भी किया गया। इस संबंध में गोरखपुर नी से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, इसमें आज पुलिस चौपाल का प्रारूप हमने बदलते हुए आज गांव-गांव पुलिस अधिकारियों ने चौपाल लगाई है, जिसमें कि पूरे जनपद में 40 से अधिक गाँव में पुलिस अधिकारी गए हैं और वहाँ पर 5 घंटे बैठे हैं, जिसमें थाने के रजिस्ट्रार, गाँव के इंस्पेक्टर, गाँव के शस्त्र धारक, गाँव के प्रधान, जनप्रतिनिधि, जो भी रंजिशें गांव में चल रही है, भूमि विवाद चल रहे हैं, तो वहाँ के पुलिसकर्मी हैं, उन सब के बारे में जानकारी की गई और लोगों से बातचीत की गई। विशेष तौर से जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसकी तैयारियों को देखते हुए गांव में पूछताछ की गई है और मतदान केंद्रों का भ्रमण भी किया गया है और इसमें कई लोगों के प्रकरण पुलिस के पास आए हैं, जिनका मौके पर निस्तारण करवाया गया है। कई जगहों पर राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे पुलिस चौपाल के दौरान, जिससे कि भूमि विवादों के निस्तारण में मदद मिली है, आपराधिक घटनाओं की समीक्षा की गई है और इसमें आगे आगामी प्रत्येक बुधवार को ये कार्यक्रम जारी रहेगा और प्रयास रहेगा कि जिस गांव में पुलिस जाए वहां पर आसपास के जितने भी विवाद हैं तो पुलिस की जानकारी में आए और उसमें समुचित कार्रवाई पुलिस करे मौके।